हेलो बच्चों बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए प्रमुख रचनाएं लाए हैं जो हम दो तीन वीडियो में बनाएंगे। पहले सुनो, रचनाएं कौन कौन सी बोर्ड में आती हैं, पूरी इंपॉर्टेंस ही रचना में बात करूंगा। कोई अदर अदर की बात नहीं करूंगा कि ये रचना नहीं, फिर प्रमुख रचना जो तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम रचनाओं पर बात करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले रचना क्या आती है, चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार विथि, 11 वर्ष का समय, ये किसके प्रमुख कहा प्रमुख रचनाएं हैं? ये रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। बेटा कभी कभी पूछते हैं कि चिंतामणि किसकी कृति है, तो आपको पता है रामचंद्र शुक्ल की। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख कहानी है, है? तो ये कृतियां तुमको पढ़नी है, बहुत प्रमुख है ये कृतियां। जयशंकर प्रसाद, जो आपके चैप्टर में ममता लगा है जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां आकाशदीप, पुरस्कार, कानन कुसुम, कंकाल, तितली, कामायनी, आकाशदीप, ये इंद्रजाल, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनको जरूर पढ़िए, ये रचनाएं बहुत ही प्रमुख हैं जो बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर तुम्हारे पूछी जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं वो इसी से आएंगे। महादेवी वर्मा, नीरजा, निहार, दीपशिखा, संध्या संधनी, ये इनकी प्रमुख, यामा, ये क्या है इनकी, इनकी प्रमुख रचना है। जैसे कि मान स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये क्या है, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये इनकी प्रमुख कृतियां। बेटा कभी कभी टीचर प्रश्न क्या करता है, कोई संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए, तो महादेवी वर्मा है उसकी प्रमुख संस्मरण लेखिका। तो ये रचनाएं तुम्हारे लिए बहुत प्रमुख है, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, रामचंद्र शुक्ल की, और पद्मनाभ पुन्नालाल बक्सी की प्रमुख कृति पंचपात्र, झलमला। झलमला कहानी किसकी है, पद्मनाभ पुन्नालाल बक्सी की। पंचपात्र किसकी रचना है, पद्मनाभ पुन्नालाल बक्सी की। खून के छींटे, यह किसकी रचना है भाई, भगवंत शरण उपाध्याय जी की। जयप्रकाश अथा सागर, अनंत सागर, ये किसकी, ये प्रमुख जयप्रकाश भारती जी की रचना है। तो ये तुमको बहुत इंपॉर्टेंस होकर पढ़नी है, क्योंकि इनसी कृतियां बाहर जल्दी नहीं जाएंगी। अब रचनाएं कौन कौन सी पूछते हैं, अब रचनाएं अदर जो होती है तुम्हारे चैप्टर में, जैसे मानते हैं क्या क्या पूछते हैं, कभी कभी कृतियां क्या पूछ देते हैं, जैसे पूछते किन्नर देश किस विधा पे आधारित रचना है, ये राहुल संकट्या जी की कृति है बेटा, जो यात्रा वृत्तांत पर आधारित है रचना, ये यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। कभी कभी क्या पूछ देते हैं तुमसे, बिल्कुल सरल थी, मेरी कॉलेज डायरी किसकी रचना है, ये धीरेन्द्र वर्मा जी की है, है? मतलब कठिन नहीं पूछते हैं तुमसे, पूछते सरल नहीं है, तुम लोग ये रचना पढ़ नहीं पाते हो कि कैसे कैसे हम सीखें, कौन कौन सी पढ़ के जाएं जो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हिंदी प्रदीप पत्रिका पूछ देते हैं, हिंदी प्रदीप या ब्राह्मण है या कवि वचन सुधा, ये पत्रिकाएं हैं प्रमुख, पूछ देते हैं ये किसकी पत्रिका है, तो हिंदी प्रदीप जानते हो बालकृष्ण भट्ट जी की है, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिचंद जी की है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी की है, मतलब ये पत्रिकाएं, माधुरी किसकी रचना है, या हंस पत्रिका के संपादक कौन है, तो हंस पत्रिका के संपादक तुम्हारे राजेंद्र यादव जी भी हैं, प्रेमचंद भी जी मानते हैं, तो कहने का मतलब है तो ये रचना माधुरी जानते हो प्रेमचंद जी के हैं, तो कहने का मतलब कठिन नहीं पूछते, सरल नहीं पूछते हैं, मगर तुम लोग उसको कठिन बना रहे हुए हो, रचनाएं कुछ भी नहीं कठिन होती है, कहने का मतलब ये तुमको प्रमुख कृतियां बताया। हिंदी का पहली कहानी कौन सी है, इंदुमती, आज जैसे पूछते हैं प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की है, कभी कभी पूछते हैं कि नासी के तो प्रख्यान किसकी रचना है, सदल मिश्र जी की है, हैं ईसा लाखा की कहानी का, और रानी केतकी की कहानी तुमको पता है, तो कहने का मतलब ये कृतियां पूछ, सुख सागर मुंशी साहब सुखलाल जी की कृति है, मतलब ऐसी ही कहानी। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, तुमको पता है लाला श्रीनिवास दास का है, ये हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है, है? जो मौलिक उपन्यास है। अब कभी बोलते इंदुमती कहानी किसकी है, ये तुमको पता है किशोरीलाल गोस्वामी की, ये भी प्रथम कहानी है इनकी। कहने का मतलब यही रचना है, तुमसे प्रमुख प्रमुख पूछते हैं और तुम लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, जयशंकर प्रसाद जी की ये प्रसिद्ध कृतियां हैं, ये सॉरी बेटा ठीक है, यानी जल्दबाजी में निकल गया, ये सूरदास जी की प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, वो जल्दबाजी में निकल गया, ठीक है बेटा, वो सूरदास की रचना है, जैसे सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी, मतलब ये इनकी सूरदास की प्रमुख कृतियां हैं। कहने का मतलब ये प्रमुख कृतियां पूछी जाती हैं और आप लोग यही कृतियां पढ़ के जाइए जाता बोर्ड में, और हम दूसरा जो वीडियो बनाएंगे उसमें टोटल कृतियों का एक बार भंडार पूरा बता देंगे, ठीक है बच्चों, आज इतनी ही कृतियां।